नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के हनुमानताल पुलिस ने मिट्टी तेल की कालाबाजारी कर रहे एक युवा को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर से मिली खबर के बाद पुलिस ने मोतीनाला इलाके युवक को पकड़ा। थाना प्रभारी हनुमानताल उमेश गुलानी ने बताया कि आरोपी के पास से 40 लीटर अवैध केरोसिन बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला कायम कर कालाबाजारी में लिप्त आरोपी की एक्टिवा भी जब्त कर ली है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना में कल मोतीनाला अस्पताल के बगल से जो गली है वहाँ पे 40 लीटर मिट्टी का तेल, हमने नीला केरोसिन जिसे बोलते हैं, वो पुलिस ने जब्त किया है। और इस तेल को कहाँ से खरीदा लाने के संबंध में उसके पास कोई वैध दस्तावेज भी नहीं थे। उसने बताया कि एक सिराज नाम का है जो उचित मूल्यों की जो दुकान है उनसे जुड़ा है और उससे ही उसने ख़रीदा है। तो इसमें हमने जो सिराज है उसकी तलाश की है, तो वो तो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, किंतु जो मौके पे मिला है उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे 40 लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया है। एजाज अली नाम अपना बताया उसने, और इस पे जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ आगे हो सकती हैं वो भी की जा रही है। स्कूटी पे चूँकि 40 लीटर का परिवहन कर रहा था, हमने इसकी स्कूटी भी जब्त की है और इसमें हिरासत की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।